आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉलेज अपडेट बाय अजीत बक्सर के इस YouTube चैनल में। चलिए आज बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का 2020 से 23 सत्र का नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन चल रहा था, जिसमें 1 से 9 मेरिट लिस्ट जारी हो गया था और नामांकन प्रक्रिया का 9 मेरिट लिस्ट लास्ट था, क्योंकि 9 मेरिट लिस्ट के बाद कोई भी लिस्ट आने वाला नहीं था। लेकिन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में सीट कुछ खाली हो जाने के कारण फिर से नोटिस आया था कि 10वां मेरिट लिस्ट आप लोगों का आएगा। 10वां मेरिट लिस्ट का सुनिश्चित जो डेट बताया गया था कि 3 नवंबर को आपका 10वां मेरिट लिस्ट आ जाएगा, नवंबर को आएगा। कल दिन भर वो लोग मैसेज करते रहे कि सर अभी तक 10वां मेरिट लिस्ट नहीं आया, क्योंकि सर का ऑफिशियल जो नोटिस आता है फेसबुक पेज के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, तो सर 6 घंटा पहले यानी कल दोपहर में ही नोटिस डाल दिए थे कि आज 3 नवंबर को 10वां मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा, 4 नवंबर को 10वां मेरिट लिस्ट जारी होगा। क्योंकि कल भी हम व्यस्तता के कारण कुछ इस पर वीडियो नहीं बना पाए, और रहा सुबह का, तो सुबह ज़्यादा हम सोते हैं तो अभी हम जगे हैं और जग कर ही वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी छात्रों के पास न्यूज़ सही पहुँचे और ऑफिशियल नोटिस पहुँचे, क्योंकि कल रात को आया था तो वीडियो नहीं बन पाया। इसके बाद बता रहे कि जो आपका 10वां मेरिट लिस्ट है कब जारी होगा, इससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, आप तमाम छात्र जाकर वहां से टेलीग्राम ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ेगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि ऑफिशियल नोटिस क्या आया है और स्पोर्ट एडमिशन का नोटिस क्या है, पूरी डिटेल्स में आपको समझाएंगे। जो भी छात्र चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही विश्वविद्यालय आरा का हमेशा जानकारी पाने के लिए, क्योंकि जो भी छात्र जुड़े हैं उनको विश्वविद्यालय आरा का जो भी जानकारी होता है एक भी अपडेट छूटता नहीं है, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि सरकार नोटिस कल ही आ गया था कि 10वां लिस्ट कल जारी होगा 4/11/2020 को। इससे पहले जो आप देख रहे हैं कि 10वां मेरिट लिस्ट का डेट जारी हो चुका है, कब तक आपका एडमिशन होगा, और स्पोर्ट एडमिशन का बहुत से कॉमेंट्स आ रहा था कि स्पोर्ट एडमिशन का नियम सर थोड़ा बता दीजिए। चलिए हम पूरे डिटेल्स में आपको समझाते हैं, पहले नोटिस को आपको बता देते हैं कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं, स्नातक भाग वन में आप लोग 2020 से 23 का ऑनलाइन किए हैं कला विज्ञान वाणिज्य में, तो 10वां मेरिट लिस्ट का प्रकाशन अभी तक सभी रिक्त स्थानों पर आवेदकों के प्राप्तांक के आधार पर जारी की जाएगी। यानी जो भी आपका फॉर्म गिरा है तो वहाँ पर आपका रिक्त स्थान वहाँ पर खाली रहेगा, कॉलेजों में सीट खाली रहेगा, तो आवेदकों के प्रतांक के आधार पर जारी किया जाएगा, यानी फुल मार्क्स पे और आपका हो सके तो सब्जेक्ट के मार्क्स पे। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि 10वीं मेगा सूची के आधार पर स्पोर्ट ऑनलाइन एडमिशन नामांकन की तिथि दिनांक 4/11/2020 से 8/11/2020 तक नामांकन होगा। यानी जो आपका 10वां मेरिट लिस्ट है आज दोपहर में या शाम को जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये 3 बार का गेस है, क्योंकि ऐसा नोटिस पहले शाम को आ जाता था उसके नेक्स्ट डे मेरिट लिस्ट जारी हो जाता था। तो देख रहे हैं कि कल शाम को ये नोटिस आ गया था, तो आज जाहिर सी बात है कि आपका 10वां मेरिट लिस्ट आएगा दोपहर में या शाम को, जरूर से जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि महाविद्यालय द्वारा नामांकन अपडेट करने का जो तिथि है, अंतिम तिथि 9/11/2020 संध्या 6 बजे तक रखा गया है। इससे पहले आपको लेकर चलते हैं कि बहुत से छात्रों का जो कन्फ्यूजन है कि स्पोर्ट एडमिशन को लेकर, तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले स्पोर्ट एडमिशन कब होता है पहले आपको ये हम बता दें, तो स्पोर्ट एडमिशन पहले तो सीट खाली रहने पर ही आपका स्पोर्ट एडमिशन होता है, यदि सीट खाली नहीं रहता है तो आपका स्पोर्ट एडमिशन नहीं होता है। पहले ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सीट खाली रहेगा तभी आपका स्पोर्ट एडमिशन होगा। तो चलिए आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट एडमिशन का जिक्र आप 9th मेरिट लिस्ट से ही सुन रहे हैं, 9th मेरिट लिस्ट में भी लिखा गया था स्पोर्ट वहां पे ऑनलाइन स्पोर्ट, और 10th मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है तो उसमें भी लिखा जा रहा है स्पोर्ट, यानी इसका बात क्या है। तो बता दें कि 8वां मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ था इसके बाद यही आपका समाप्त मेरिट लिस्ट था, इसके बाद स्पोर्ट एडमिशन होने वाला था, तो 9th मेरिट लिस्ट जो है ये भी लास्ट आने वाला था, क्योंकि इसके बाद कोई भी मेरिट लिस्ट आने वाला नहीं था, क्योंकि सीट खाली हुआ तभी आपका 10वां मेरिट लिस्ट आ रहा है। तो अब आप बात समझिएगा कि 8वां मेरिट लिस्ट के उधर कोई भी स्पोर्ट एडमिशन का जिक्र नहीं किया जा रहा था, 9th मेरिट लिस्ट ही स्पोर्ट एडमिशन है। आप लोग समझिएगा कि 9th मेरिट लिस्ट तो समाप्त था लेकिन 10वां मेरिट लिस्ट आ रहा है, तो आपका 10वां मेरिट लिस्ट जो है यही स्पोर्ट एडमिशन है, यानी सीट खाली रह रहा है तभी 10वां मेरिट लिस्ट में नामांकन हो रहा है। अब रहा कि मेरिट लिस्ट के बाद ही स्पोर्ट एडमिशन होता है,
तो स्पोर्ट एडमिशन ही 10वां मेरिट लिस्ट का नाम दे दिया गया है। तो आप लोग कन्फ्यूजन में मत होइएगा कि इसके बाद स्पोर्ट एडमिशन होगा कि नहीं होगा, यानी आपका जो स्पोर्ट एडमिशन है 10वां मेरिट लिस्ट ही स्पोर्ट एडमिशन है, इसी में आपको सब्जेक्ट चेंज करने का मौका दिया जा रहा है। स्पोर्ट एडमिशन में क्या होता है कि सीट खाली होता है इस सब्जेक्ट में, तो चेंज करने का मौका दिया जाता है स्पोर्ट में। तो 10वां मेरिट लिस्ट यानी स्पोर्ट एडमिशन का ही नाम 10वां मेरिट लिस्ट है, आई होप बात समझ लिए होंगे। तो इसके बाद विश्वविद्यालय नोटिस किया था कि 10वां मेरिट लिस्ट के बाद अब कोई भी लिस्ट जारी नहीं होगा, यदि सीट खाली रहेगा तो फिर उसका नोटिस विश्वविद्यालय का आ भी सकता है, क्योंकि अभी तक जहां तक उम्मीद है कि सीट बहुत से कॉलेजों में फुल हो चुका है और सत्यापन जहां 90% से 95% सत्यापन भी हो चुका है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।